हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बाजार जैसी कुल्फी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं, जिसको आप इजीली घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। जब भी दूध बॉईल करें, बॉईल करने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जिससे दूध नीचे पैन में लगेगा नहीं। एक लीटर फुल फैट दूध लिया है। दूध को मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे, जिससे दूध नीचे लगे नहीं। दो वाइट ब्रेड ली है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। उसके बाद पीस कर पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास स्लाइस ब्रेड नहीं है तो आप इसकी जगह ब्रेड क्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्रेड क्राम भी नहीं है तो आप फीके बिस्किट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को पीस कर पाउडर बना लिया है। जब भी आप ब्रेड को पीसें तब थोड़ा सा पीसने के बाद बंद करके उसको मिक्स करना है, फिर से दोबारा से पीसना है। दूध एक बार अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसको दूसरे गैस पे रखकर मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। जो किनारे में मलाई जमती है उसको बीच बीच में उतारते रहेंगे और सेंटर में डाल देंगे, तो साथ के साथ दूध भी बॉईल हो जाएगा और ब्रेड ग्राम भी रोस्ट हो जाएगी। तो गैस पे पैन रखा है, अब इसमें ब्रेड ग्राम ऐड करेंगे। धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रोस्ट करेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, जिससे ब्रेड नीचे जले नहीं और एक जैसा कलर आए। तो ब्रेड को रोस्ट करने के साथ साथ अब दूध को भी मिक्स कर लेंगे। जो साइड में मलाई जम रही है उसको उतारना है और बीच में डालना है, जिससे मलाई जमे नहीं। तो आप देख सकते हो ब्रेड ग्राम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है। आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे दूध जब आधी क्वांटिटी में नहीं हो जाता है तब तक बॉईल करेंगे। जो साइड में मलाई जमती है उसको बीच में डालते रहेंगे। अगर आपको जल्दी रिड्यूस करना है तो आप गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लीजिए। आधी क्वांटिटी में रिड्यूस हो गया है, अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे। ब्रेड क्रम को ऐड करेंगे, मिक्स करके धीमी आँच पर एक मिनट के लिए पकने देंगे। इस स्टेज पर आप ब्रेड क्रम की जगह मलाई भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इवन आप खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और साइड में रख देंगे। मेजरमेंट कप से आधा कप चीनी को पैन में फैला लेंगे और लो गैस फ्लेम पे चीनी जब तक मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक मिक्स नहीं करना है, उसको ऐसे ही मेल्ट होने देना है। तो आप देख रहे हो चीनी धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पे मिक्स नहीं करना है, नहीं तो चम्मच के लग जाएगी। तो अच्छी तरह से मेल्ट होने दीजिए। चीनी अब अच्छी तरह से घुल गई है, तो आप देखते हो बहुत ही बढ़िया कैरमलाइज बन गया है और अच्छा कलर आ गया है। इस स्टेज पर आप स्पून से या लैडल से मिक्स करते हैं, जिससे कैरमल सॉस लैडल पे चिपकेगा नहीं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। यदि आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। आधा टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें कैरमलाइज ऐड कर लेंगे। गैस फ्लेम को लो रखना है। जैसे हम कैरमलाइज सॉस को ऐड करेंगे तो एकदम थिक हो जाएगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है। जैसे जैसे ये मिक्स होगा ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। अगर पैन में थोड़ा सा कैरमलाइज रह जाता है या स्टिक है तो उसमें थोड़ा सा दूध डालकर गर्म कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। तो आप देख सकते हो जैसे हमने कैरमल सॉस डाला था बहुत ज़्यादा थिक था, तो अब अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे।
गुल्फी का घोल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, अब मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। उसके बाद स्मूथली 25 से 30 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर देंगे, जिससे घोल अच्छी तरह से फ्लफी और स्मूथ बनकर तैयार हो जाए। तो अब घोल अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, अब मशीन को स्विच ऑफ कर देंगे। तो आप देखते हो बहुत ही बढ़िया गुल्फी का घोल बनकर तैयार हो गया है। तो गुल्फी का घोल तैयार है, अब मोल्ड के अंदर पोर कर देंगे। गुल्फी के लिए प्लास्टिक के इस तरह से मोल्ड भी आते हैं और एल्यूमिनियम के मोल्ड भी आते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप आइसक्रीम मोल्ड के अंदर भी जमा सकते हैं। मैं इसको ग्लास के अंदर जमा रहा हूँ, ये सबसे ईजी तरीका है जो ईजीली सभी के घरों में मिल जाता है। अब मोल्ड पे ढक्कन लगाकर साइड में रख देंगे। इसी तरह ग्लास को भी क्लीन फिल्म से पैक कर लेंगे। आप इसको क्लीन फिल्म या एल्यूमिनियम फॉइल से भी पैक कर सकते हैं। पैक करने के बाद फ्रीजर के अंदर कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप इसको ओवरनाइट भी जमा कर रख सकते हैं। इस तरह से पैक करने से जब फ्रीजर के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर आइस नहीं जमेगी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कुल्फी को फ्रीजर में रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं और अच्छी तरह से जम गई है। आप देखते हो क्लीन के ऊपर आइस जम गई है, लेकिन अंदर आइस बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बाउल में नॉर्मल पानी लिया है और पानी के अंदर थोड़े टाइम के लिए ग्लास को रख देंगे, जिससे ग्लास का टेम्परेचर नॉर्मल पर आ जाएगा और गुल्फी को निकालने में आसानी रहेगी। आप नाइफ से या वुडन स्टिक से भी निकाल सकते हैं और इसको स्लाइस में काट लेंगे। अब मैं आपको दूसरी ग्लास को भी डीमोल्ड करके दिखाता हूँ। इसको थोड़े टाइम पानी के अंदर रखा है, जिससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए, निकालने में आसानी हो। आप इसको नाइफ से भी निकाल सकते हैं, इसकी जगह आप बम्बू स्टिकर डालकर भी निकाल सकते हैं। आप इसको स्लाइस में भी सर्व कर सकते हैं और छोटे छोटे क्यूब्स में करके भी सर्व कर सकते हैं। तो इसको स्लाइस में काटने के बाद क्यूब्स में काट लिया है और आप प्लेट में सर्व कर देंगे। तो अब हमारी बाजार जैसी गुल्फी बनकर तैयार है। इस मोल्ड को भी जिस तरह से ग्लास से गुल्फी निकाली उसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। आप नाइफ की जगह बम्बू स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद प्लेट के अंदर अरेंज कर देंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।